हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। सलमान खान जहां इन दिनों अपने कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 13 से छोटे पर्दे पर धमाल मचा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर इससे कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। कभी जर्नलिस्ट के साथ बहस तो कभी उनका कोई पुराना केस। वहीं अब खबरें हैं कि मुंबई का एक वॉन्टेड क्रिमिनल सलमान के बंगले से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल हाल ही में क्राइम ब्रांच ने सलमान के गोरई स्थित बंगले पर छापा मारा, जहां पुलिस ने मुंबई के वांटेड क्रिमिनल शक्ति सिद्धेश्वर राणा को धर दबोचा। कहा जा रहा है कि शक्ति सिद्धेश्वर नाम का ये शख्स पिछले 20 साल से सलमान के बंगले की देखरेख कर रहा था। रिपोर्ट्स में बताया गया कि पुलिस वहां छापेमारी के लिए जब पहुंची तो उन्हें देखते ही उस शख्स ने बंगले से भागने की कोशिश की, हालांकि भागने में वो नाकामयाब रहा। बताया जा रहा है कि वो शख्स और उसके कुछ साथियों को पुलिस ने 1990 में चोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। बाद में आरोपी जमानत पर बाहर आ गया और पुलिस को चकमा देकर छुपता रहा। बताते चले कि अदालत की ओर से कई बार उसे पेश होने को भी कहा गया, लेकिन वो कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। राणा के इस तरह अचानक गायब होने के बाद भी पुलिस आरोपी की तलाश करती रही। इसी बीच पुलिस को खबर मिली कि वो सलमान खान के घर पर काम कर रहा है। अब ऐसे में जाहिर है कि सलमान खान के लिए भी एक नई मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्राइम ब्रांच ये तो जरूर पता लगाने की कोशिश करेगी कि सलमान उस शख्स को कब से जानते हैं और कैसे जानते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि सलमान की एक मुसीबत खत्म नहीं होती है कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सलमान की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। वैसे फिलहाल तो वो अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। हाल ही में फिल्म का एक प्रमोशनल वीडियो भी रिलीज किया गया था। बता दें कि इस फिल्म में सलमान के साथ सोनाक्षी सिन्हा भी नजर आएंगी। प्रभु देवा के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये है साई, साई मंजरेकर। दबंग, यस दबंग। ये बहुत अच्छी है इसलिए दबंग 3 में, इनके बाद दबंग 1 में थे, अब बेटी है दबंग 3 में। जी बहुत अच्छा है, घर के बहुत ही नज़दीक है, पास है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को बहुत दूर उड़ के जाना पड़ता था आईफा में परफॉर्म करने के लिए। सबको सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं, अभी भी घबराहट होती है परफॉर्म करने में, अभी बहुत घबराहट होती है। जो परफॉर्मेंस जिसके लिए एक्साइटेड था वो कटरीना कैफ का परफॉर्मेंस था, वो देख चुका हूँ और बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, बहुत ही शानदार, खूबसूरत जी जी। जी हाँ जी हाँ, लोगों ने उस पोस्टर को काफ़ी पसंद किया है। आई फील वेरी प्रिविलेज टू बी हियर, इनके वजह से ही मैं यहाँ पे आ सकती हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। यू नो स्ट्रेंज थिंग इज दैट कुछ सालों पहले, बहुत सारे सालों पहले, सोनाक्षी भी आईफा में ही इंट्रोड्यूस हुई थी ऑन अ रैंप एंड टुडे इट्स या और मेरा उसी तरह से बुलंदियां पाई नहीं है जी, उसी तरह से बुलंदियां पाई नहीं है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, पिक्चर का भी करो। अभी इंशाल्लाह नहीं बन रही है, इंशाल्लाह कुछ और बनेगी, मेरे साथ तो नहीं बन रही अभी। जी हाँ, उसका एक डिजिटल क्या पिक्चर या टीजर जो भी है वो आ चुका है और काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है, तो अभी आते रहेगा और 20 दिसंबर को फिल्म रिलीज है, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप इनको भी अभी टीवी पे और सोशल मीडिया और पर्दे पर देखो, तो बहुत अच्छा काम किया है। जी हाँ, अभी हो जाएगी बिग बॉस की शुरुआत, बिग बॉस सीजन 13। ईद पर आएगी पिक्चर, जरूर आएगी पिक्चर।
जुलाई अभी तो पहले दिसंबर में आएगी 20 तारीख को, उसके बाद ईद पर ही आएगी। Thank you.